महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, भारतेंदु युग कंप्लीट हो चुका है, अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। इसका जो टाइम है वो है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग काव्य धारा को दो रूपों में समांतर चल रही थी, यानी जो द्विवेदी युग की काव्य धारा है वो दो युगों में बराबर चल रही थी। तो द्विवेदी युग दो भागों में बांटा गया है, अनुशासन की काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो जो अनुशासन की काव्य धारा है इसमें मुख्य रूप से चार कवि आते हैं, और जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है इसमें पांच कवि आते हैं। तो अनुशासन की काव्य धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और रामचरित उपाध्याय। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक और जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो अनुशासन की काव्य धारा है उसमें मुख्य विशेषता है आदर्श, त्याग, बलिदान, नैतिकता, राष्ट्रीय प्रेम, खड़ी बोली और भाषा का जो परिष्कृत रूप है वो अनुशासन की काव्य धारा में देखने को मिलता है। और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में प्रकृति चित्रण, नारी सम्मान, स्त्री पुरुष प्रेम, मुक्त भाव, प्रगीत चेतना, छंद मुक्त, राष्ट्रीयता और खड़ी बोली में कविता देखने को मिलती है। अब देखते हैं द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि। तो द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि में शुरुआत में जो हमारी पत्रिका आती है वो है सरस्वती पत्रिका। जो सरस्वती पत्रिका है उसकी जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी में हुई थी, और सरस्वती पत्रिका का जो योजनाकार है वो है चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष ने हिंदी भाषा को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने के लिए सरस्वती पत्रिका निकालने की योजना बनाई थी। किन्होंने? चिंतामणि घोष ने हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए। ये नाम भी चिंतामणि घोष का ही दिया हुआ है। कौन सा नाम? सरस्वती पत्रिका। योजनाकार भी चिंतामणि घोष है और सरस्वती पत्रिका नाम भी चिंतामणि घोष ने ही दिया है। इसकी योजना इन्होंने 1899 ईस्वी में बनाई थी। 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की योजना बनाई थी, और ये प्रकाशित हुई थी, जो प्रेस है वो है इंडियन प्रेस इलाहाबाद, और सन 1900 में पत्रिका निकाली गई। 1899 में तो चिंतामणि घोष ने योजना बनाई थी, और 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका संपादन मंडल के नेतृत्व में निकाली गई, यानी चिंतामणि घोष ने 1899 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की योजना बनाई, और 1900 ईस्वी में संपादक मंडल के नेतृत्व में इस सरस्वती पत्रिका का है जो प्रकाशन किया गया। उस संपादक मंडल में जो सदस्य हैं वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी। जो ये चार व्यक्ति है वो संपादक मंडल में 1900 ईस्वी में प्रकाशन के समय सदस्य रहे हैं, और 1900 से 1901 ईस्वी तक संपादक मंडल के वही सदस्य रहे जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के समय रहे थे। कौन कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी। 1901 से 1902 तक संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास रहे थे, और 1902 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका से त्यागपत्र दे दिया था। 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास रहे थे, और 1902 में जो सरस्वती पत्रिका है उसको संपादक से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया था। 1902 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक घोषित रूप से
संपादक रहे थे। ये घोषित रूप से 1902 से लेकर 1903 तक श्याम सुंदर दास संपादक रहे थे। किसके? सरस्वती पत्रिका के। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को संपादक के रूप में 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें एक वर्षीय संपादक मंडल के साथ एक वर्षीय अकेले संपादक रहे और एक वर्ष यह एक घोषित रूप से संपादक कर रहे थे। यानी कि 1901 से 1903 तक तो ये संपादक सरस्वती पत्रिका के रहे थे, उसमें से 1900 से 1901 तक तो ये संपादक मंडल के साथ रहे थे और 1901 से 1902 तक ये स्वयं रहे थे और 1902 से 1903 तक ये एक घोषित रूप से संपादक रहे थे। इस प्रकार 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो कौन रहे थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे और 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इसके संपादक चंद्रधन शर्मा गुलेरी रहे थे। तो 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक मुख्य रूप से तीन व्यक्ति इस पत्रिका के संपादक रहे थे। कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो 1901 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक, और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और तीसरी व्यक्ति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। सरस्वती पत्रिका के उद्देश्य। हिंदी भाषा को परिष्कृत एवं परिमार्जित करना, पहला उद्देश्य सरस्वती पत्रिका का। खड़ी बोली हिंदी के काव्य को बढ़ावा देना, समस्याओं से संबंधित लेख प्रकाशित करना और अनुवाद सामग्री को प्रकाशित करना। तो ये मुख्य मुख्य जो उद्देश्य हैं सरस्वती पत्रिका के, देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। जो सरस्वती पत्रिका का जो अंतिम उद्देश्य है वो है निबंध एवं कहानियों को छापना एवं प्रकाशित करना। नोट, 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी इसी में प्रकाशित हुई थी। यानी 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका की शुरुआत हुई और 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, और जो प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी वो भी इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शतरंज के खिलाड़ी उसने कहा था से 2 महीने बड़ी है, लेकिन हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसने कहा था को माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है वो उसने कहा था से 2 महीने बड़ी है, लेकिन हिंदी को जो प्रथम कहानी है वो उसने कहा था ही मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका ने साहित्य का उद्देश्य निर्धारित किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपत्ति शास्त्र ग्रंथ है वो इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका उद्देश्य काव्यों की आलोचना करना भी रहा है, यानी जो भी काव्य सरस्वती पत्रिका में छपता था उसकी आलोचना करना भी सरस्वती पत्रिका का मुख्य कार्य रहा है। अब देखते हैं नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी जो सभा है उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी। संस्थापक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और स्थान है वो है काशी, जो कहाँ है? बनारस में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है किसका? नागरी प्रचारिणी सभा का, वो है राधा कृष्ण दास। अब देखते हैं नागरिणी प्रचारिणी सभा के उद्देश्य। तो नागरी प्रचारिणी सभा के उद्देश्य हस्तलिखित लुप्त होती हुई सामग्री को प्रकाशित करना, यानी जो हस्तलिखित जो सामग्री है वो लुप्त हो रही थी तो उस सामग्री को जो है वो प्रकाशित करने का कार्य है वो नागरी प्रचारिणी सभा करती थी। लेखक एवं कवियों की जीवनियां प्रकाशित करना और व्याकरण प्रकाशित करना, तो ये है नागरी प्रचारिणी सभा के उद्देश्य।